Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic modern periodic table. So modern periodic table kya hai aur iske bare mein hum aaj padhenge puri detail mein. Modern periodic table jo thi wo pehle isse pehle Mendeleev ki periodic table aayi thi, humne uske bare mein padha tha. उसमें कुछ कमियां रह गई थी, वैसे तो बहुत ठीक थी पर उसमें कुछ कमियां थी. उन कमियों को दूर करने के लिए बाद में मोज़ले, हेनरी मोज़ले जो थे, उन्होंने एक नई पीरियोडिक टेबल बनाई जिसका बेस जो था वो एटॉमिक नंबर लिया गया. मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर भी रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, या जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं. पर हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उसको हम एटॉमिक नंबर मान के चल रहे हैं. तो एटॉमिक नंबर पर के आधार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाई गई है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब एटम्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर जब अरेंज किया गया तो देखा गया कि सेम एलिमेंट्स वाले जो सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आते थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी और बिहेवियर सेम था. तो ऐसा जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया गया. नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि थोड़ा ये वाइड है और इसमें वैसे तो टोटल 8 ग्रुप ही बनाए गए हैं. जैसे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप थे, इसमें भी 7 ग्रुप हैं, उनको फिर आगे डिवाइड किया गया है. तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू केके चौहान विजन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद हेनरी मोज़ले ने दी थी. और इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो मेथड अप्लाई किया गया था वो था उनका बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर. जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं. तो हेनरी मोज़ले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया. तो जबकि जो मेंडेलीव था उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया गया था. जब हेनरी मोज़ले ने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में जो कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है, जिनका वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए थे, तो वो सब कमियाँ दूर हो गई थी. तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे हम उसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के जो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है उस आधार पर अरेंज किया गया है. तो ऐसा करने से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक वर्टिकल कॉलम में आते थे, सेम वर्टिकल कॉलम में आते थे. जैसे मैं बात करूँगी हेलोजन ग्रुप की, बात करती हूँ
तो उसमें सभी गैसेस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करती हूँ तो सब उसमें एल्काइली मेटल आ जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम नोबल गैस का जो 18th ग्रुप है ना उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसमें सभी नोबल गैसेज आ जाते हैं जिन्हें हम इनर्ट गैसेज कहते हैं। पूरी डिटेल में आगे बताती हूँ आपको। तो इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं और 8 वर्टिकल कॉलम हैं, 8 ग्रुप्स हैं और जिनको आगे फिर डिवाइड किया गया है। इस प्रकार लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 सब ग्रुप आ जाते हैं और 7 जो है हॉरिजेंटल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। आइए देखते हैं हम। तो ये है हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें टोटल 18th ये ग्रुप बने हुए हैं। तो ये 18th ग्रुप है, आप काउंट कर सकते हैं इनको, 18th ग्रुप है। और ऐसे अगर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 जो है हॉरिजेंटल रोज है, इनको हम पीरियड बोलते हैं। तो 7 पीरियड होंगे। एक पीरियड की बात करती हूँ, जैसे ये पीरियड थर्ड पीरियड की बात करती हूँ तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आ जाते हैं। तो ये सेकंड हमारा पीरियड है। तो सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आते हैं। तो ये थे पीरियड, टोटल 7 पीरियड है। और जो फर्स्ट टू पीरियड जो है, थर्ड थ्री पीरियड जो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पीरियड है ये छोटे हैं और फोर्थ पीरियड थोड़ा बड़ा हो जाता है। फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक येलो कलर में मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ से डी ब्लॉक ऐड हो जाता है। और जब हम सिक्स पीरियड में आते हैं तो ये और भी बड़ा जाता है। तो इसमें 57 के बाद यहाँ देखिए 58 नंबर है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये वाले फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें एल्काइली मेटल कहते हैं। अगर इनको भी आगे पढ़ेंगे तो ये है एल्काइली मेटल और ये इसको बोलते हैं एल्काइली अर्थ मेटल, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं इनको हम बोलेंगे एल्काइली मेटल। इनकी सबकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। कैसे होएगी मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी उसमें आपको बताऊंगी। और ये जो सेकंड ग्रुप हमारा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, इनको हम एल्काइली अर्थ मेटल कहते हैं। ऐसे ही जब बात हम करते हैं इनकी, तो ये बोरोन ग्रुप आ जाता है हमारा, ये कार्बन ग्रुप की फैमिली है, ये नाइट्रोजन ग्रुप की फैमिली है, ऑक्सीजन ग्रुप की फैमिली है। इनकी इन सब की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन जैसी होंगी। ये हेलोजन फैमिली इनको बोलते हैं हम और ये नोबल गैस एलिमेंट्स हैं। इनर्ट एलिमेंट्स भी इनको बोल देते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं। ये पीरियोडिक टेबल की जो इस तरफ मेटल है और इस तरफ नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल और मेटल्स को अलग करने वाली एक हमें एक लाइन दिखाई दे रही है थोड़ा, इसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल की होती हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनमें जो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो डी ऑर्बिटल में होती है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। हम जो नीचे 58 से ले रहे हैं एलिमेंट्स, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वाले यहाँ से लेकर इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो ग्रुप में और ग्रुप को भी आगे सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ये सब ग्रुप आ जाते हैं एस ब्लॉक, ये डी, ये पी और ये एफ। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी होगी, पहले एस ब्लॉक भरता है, फिर पी भरता है, फिर डी और फिर एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो कैसे भरेंगे उनको मैं बताऊंगी। तो ये था डी ब्लॉक, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये मेटल है
ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, और ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो ऐसा जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएगी तो उसमें मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी, जैसे गैलियम है ना, इसकी जगह छोड़ी थी उसने, प्रिडिक्ट कर दिया था। तो जैसे आयोडीन को बाद में रखा था, टेलियम को पहले रख दिया था, तो कारण उसको नहीं पता था, जबकि आयोडीन का एटॉमिक मास कम है, इसका ज़्यादा है। तो ये कमियां जो थी अब दूर होगी। अभी हम पता है कि टेलियम में 52 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और आयोडीन में जो है 53 प्रोटॉन्स हैं, तो ये बाद में ही आएगा। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज़ www.scienceeasylearning.wordpress.com। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक पेज, दैट इज़ KK Chauhan। थैंक यू।